हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सचिन गोस्वामी एंड आई वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर सचिन गोस्वामी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इंग्लिश लिटरेचर यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस यूजीसी नेट और भी वो एग्ज़ाम्स जहां पर लिटरेचर के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके क्वेश्चंस को लेकर मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ। 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है दोस्तों। स्पेशल ये जो फोकस इसमें किया गया है यूपी टीजीटी को, पीजीटी को और जीआईसी लेक्चरर और सुपर टेट को इसमें हमने स्पेशल फोकस में लिया है, तो उनसे रिलेटेड ये आपकी जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ के 4 पार्ट मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम लेकर आए हैं 5th पार्ट। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सर इतना टाइम कैसे लग गया कि जस्ट आफ्टर 1 वीक आप लेकर आ रहे हैं 5th पार्ट। तो मैं आपको बता दूं कि इस बीच में दोस्तों मेरी तबीयत सही नहीं थी, मुझे चोट लग गई थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। बट आप वापस आ चुके हैं और बिल्कुल उसी मेहनत के साथ, उसी लगन के साथ हम भी लग जाते हैं और आप भी लग जाइए। तो दोस्तों, आज का जो डे है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज क्वेश्चंस तो कम हैं, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे मानिए कि बहुत बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छी तरह से समझते हुए चलना। तो आज के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे और आज जो हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर क्वेश्चंस हैं। सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आज के डे को मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो आप पढ़ते हैं उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा। इसके साथ साथ जो हमारा फेसबुक पेज है उसको भी आप ज्वाइन करें, फेसबुक पेज को भी लाइक करें और उस पर भी बने रहें, क्योंकि काफ़ी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल जो मैं टेलीग्राम और फेसबुक पर यहाँ पर साझा करता हूँ। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे और आप एक रेगुलर वे में पेड क्लासेस का हिस्सा भी बनना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर 9756055255 पर। यूपी टीजीटी पीजीटी की कोचिंग लेने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैच अभी भी कंटिन्यू है। और इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स की भी रिक्वायरमेंट है तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द विक्टोरियन पीरियड रेफर्स टू द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग 1837 टू 1901। अब हम बात करते हैं विक्टोरियन पीरियड की। दोस्तों, ये जो विक्टोरियन पीरियड है, इसमें क्वेश्चन में आप समझने की कोशिश कीजिए, ये कहा गया है कि विक्टोरियन पीरियड जो है वो रेफर करता है किसको, जो क्वीन विक्टोरिया का शासन है इंग्लैंड का, ड्यूरिंग कब रहा उनका शासन, 1837 से 1901 तक उनका शासन रहा। अब इसके बाद दोस्तों, ये 1837, इसमें मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये जो तारीख थी दोस्तों, ये थी 20 जून, याद रख लेना, 20 जून 1837 से लेकर 1901 तक, ठीक है ना, 1901 तक। अब ये जो 1901 था, अब आप सोच रहे होंगे सर 1901 कौन सा था, तो मैं आपको बता देता हूँ, जनवरी 1901। तो जनवरी 1901 तक ये, और जनवरी में भी कौन सा, 22 जनवरी। तो एक चीज़ फिर से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये जो आपका दिया हुआ है कब से स्टार्ट हुआ, ये दोस्तों ये स्टार्ट हुआ, मतलब जो इनका रेन की हम बात कर रहे हैं, 20 तारीख से, और 20 कौन सा, 20 जून, 20 जून 1837 से कब तक रहा इनका शासन, 22nd, याद रख लेना दोस्तों, 22nd जनवरी 1901 तक। इज दैट क्लियर, ये क्लियर है। और ये किसका एज है, ये क्वीन विक्टोरिया का एज है। और क्वीन विक्टोरिया की बात करें दोस्तों, तो ये एडवर्ड प्रिंस, आपने नाम सुना होगा प्रिंस एडवर्ड का, तो प्रिंस एडवर्ड की बेटी थी जो ये विक्टोरिया थी। और विक्टोरिया ने जो अपना जो ये शासन इन्होंने लिया था दोस्तों, 18 ईयर्स की ओल्ड में, जब ये मात्र 18 साल की थी, तो 18 साल की उम्र में इन्होंने ये जिम्मेदारी ले ली थी क्वीन विक्टोरिया ने। तो 20 जून 1837 से लेकर 22nd जैन 1901 तक जो था इनका एक रेन रहा, इनका शासन रहा। तो इज दैट क्लियर, ये क्लियर होगा दोस्तों। बहुत बारीकी से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसका एज था क्वीन विक्टोरिया, महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी
इसके साथ साथ ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब से कब तक पीरियड रहा, तो ईयर में भी आ सकता है और उसके पर्टिकुलर डेट भी दिए हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको दिमाग में बिठा सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों, ये वही विक्टोरियन एज है जिसने हमें बहुत ग्रेट पॉइंट्स दिए, ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ के पॉइंट दिए और इतना ही नहीं पेसिमिस्टिक व्यूज़ के भी पॉइंट्स दिए। हर तरह के पॉइंट हमें इसमें देखने को मिलते हैं। और विक्टोरियन एज की बात करें तो टेनिसन का नाम, रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम हमारे सामने सबसे ऊपर आता है, टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसके बाद दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रैम्बलर अपीयर्ड एवरी ट्यूजडे एंड सैटरडे। क्वेश्चन ये आएगा कि रैम्बलर कब अपीयर होता था, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्यूजडे में और सैटरडे में। एवरी ट्यूजडे एंड एवरी सैटरडे, हर ट्यूजडे और हर सैटरडे में रैम्बलर अपीयर होता था। अब बात ये आ जाती है दोस्तों, ये रैम्बलर था क्या, क्या चीज़ थी ये रैम्बलर। दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टील के बारे में, आपने ज़रूर सुना होगा। जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टील क्या करते थे, ये एक पर्टिकुलर पीरियड्स में, जो पर्टिकुलर पीरियड था इनका, उसमें ये मैगजीन निकालते थे। और आपने टेटलर का नाम सुना होगा, स्पेक्टेटर का नाम सुना होगा। तो जो ये पीरियोडिकल्स उनको बोला करते थे, तो वो पीरियोडिकल्स कहलाए जाते थे जिसमें लेख लिखे जाते थे। तो जो रैम्बलर है दोस्तों, रैम्बलर क्या था, रैम्बलर एक पीरियोडिकल था, याद रख लेना। रैम्बलर क्या था, रैम्बलर वॉज अ पीरियोडिकल, रिमेंबर दैट। रैम्बलर क्या था, एक पीरियोडिकल था, और जो कि कब अपीयर होता था, एवरी ट्यूजडे एंड एवरी सैटरडे। रैम्बलर अपीयर होता था हमारा एवरी ट्यूजडे और एवरी सैटरडे में रैम्बलर अपीयर होता था। और ये जो रैम्बलर था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रैम्बलर हमारा एक मैगजीन या फिर कोई भी लेख जो होता था, वो पीरियोडिकल्स के माध्यम से लोगों के बीच तक लाया जाता था। दैट वॉज कॉल्ड रैम्बलर एंड इट वॉज प्रोड्यूस्ड और वी कैन से पब्लिश्ड बाय सैमुअल जॉनसन। याद रख लेना दोस्तों, इट वॉज द वर्क ऑफ सैमुअल जॉनसन। किसका वर्क था ये, ये सैमुअल जॉनसन का वर्क था। द रैम्बलर अपीयर्ड ऑन एवरी ट्यूजडे एंड सैटरडे। ये कब अपीयर होता था, ये हर ट्यूजडे और सैटरडे में रैम्बलर अपीयर होता था। इज दैट क्लियर, द रैम्बलर अपीयर्ड एवरी ट्यूजडे एंड सैटरडे। कब अपीयर होता था, हर ट्यूजडे और सैटरडे में रैम्बलर अपीयर होता था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। दोस्तों, चीज़ों को बारीक से समझने की कोशिश किया करें और अच्छी तरह से समझते हुए चलें। अब इसकी अगर जो हम बात करें दोस्तों, ये जो रैम्बलर के बारे में मैंने आपको बताया, जो रैम्बलर था, रैम्बलर किसका वर्क, सैमुअल जॉनसन का वर्क था, पीरियोडिकल्स था, ट्यूसडे और सैटरडे में ये पब्लिश होता था, एक लेख होता था एक प्रकार का। और इसकी अगर जो हम स्टार्टिंग की बात करें दोस्तों, तो ये 20th मार्च 1750 से स्टार्ट हुआ था और ये 14th मार्च 1752 तक चला था। इज दैट क्लियर, कब से, 20th मार्च 1750। इसको ये भी याद रख लेना कि जो रैम्बलर था हमारा, ये 20th मार्च, याद रख लेना, 20th मार्च 1750 से 14th मार्च, 14th मार्च तक ये चला था। और कब, 1752 तक ये चला था। और टोटल नंबर ऑफ इश्यूज इसमें कितने हुए, 208। इज दैट, ये भी दिमाग में बैठा लेना दोस्तों। जो रैम्बलर था, रैम्बलर पीरियोडिकल्स था, पीरियोडिकल्स में इसमें कितने लेख लिखे गए, 208 जो आर्टिकल्स थे इसमें, 208 कॉपीज कह सकते हैं, वो इसमें इशू हुई थी हमारी, जो रैम्बलर में ये पीरियोडिकल्स था, सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया था, ट्यूसडे और सैटरडे में ये अपीयर होता था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इमेजिज्म को लेकर। अब ये इमेजिज्म क्या है और किसके द्वारा, ये जो इमेजिज्म की थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई, ये भी आपको समझना होगा। इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विद टी.ई. ह्यून। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमेजिज्म क्या है, किसके, किससे कनेक्टेड है, ये टी.ई. ह्यून से कनेक्टेड है। टी.ई. ह्यून से कौन सा, इमेजिज्म। अब दोस्तों, इमेजिज्म क्या था इसको आप समझिए। इमेजिज्म जो था, ये एक मूवमेंट था, ये एक मूवमेंट था इमेजिज्म। रिमेंबर दैट इमेजिज्म वॉज अ काइंड ऑफ मूवमेंट, एक मूवमेंट था बाय इंग्लिश एंड अमेरिकन पोइट्स बोथ। ये इंग्लिश और अमेरिकन पोइट्स दोनों के द्वारा चलाया गया ये एक मूवमेंट था। 1910 से लेकर 1917 तक ये फ्लोरिस्ट हुआ था। और ये कह लीजिए कि इस समय ये स्प्रेड हुआ था,
कब से कब तक? 1910 से 1917 तक। 1910 से 1917 तक इमेजिज्म जो था ये एक मूवमेंट के रूप में ये दिखाई पड़ता है हमें। अब दोस्तों ये जो इमेजिज्म का जो मूवमेंट हमें दिखाई पड़ता है, अब इसमें वास्तविकता क्या थी, क्या पर्पस था इस इमेजिज्म का? इमेजिज्म जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, इमेज, इमेज से जुड़ा हुआ है, कल्पना से जुड़ा हुआ है, किसी चरित्र से जुड़ा हुआ है। अब इमेजिज्म की बात करें तो दोस्तों मैं आपको इमेजिज्म में ले चलता हूँ, आपको चौसर के टाइम में चलो चलते हैं। चौसर के टाइम में आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कैंटरबरी टेल्स को, आपने पढ़ा होगा दोस्तों चौसर के, उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको जो प्रेजेंट किया जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है? एलिगोरिकली। रिमेंबर दैट, एलिगोरिकली। चाहे आप स्पेंसर के आप ले लीजिए कैरेक्टर्स की, स्पेंसर्स की बात कर लीजिए, आप चौसर के कैरेक्टर्स की बात कर लीजिए, यहाँ तक कि शेक्सपियर की बात कर लीजिए, अधिकतर जो कैरेक्टर्स हैं वो रिजेंबल और रिप्रेजेंट किए जाते हैं किस रूप में? एलिगोरिकली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एलिगोरिकली क्या है, तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एलिगोरिकली का मतलब होता है सिम्बॉलिकली। सिम्बॉलिकली इट मीन्स प्रेजेंटेड थ्रू सिम्बल्स, जिनको सिम्बल्स के माध्यम से समझाया जाए, प्रतीक के माध्यम से समझाया जाए चीज़ों को, वो एलिगोरिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। एलिगोरिकली रिप्रेजेंटेशन उसको कहा जाता है। तो जहाँ पर जो उसका जो कैरेक्टर का नेम है वही उसके पर्सनैलिटी को रिवील कर दे, उसको उजागर कर दे, दैट इज कॉल्ड एलिगोरिकली। तो कुल मिलाकर पास्ट में क्या होता था, सिंबल्स पर ज़्यादा इंप्रेशन किया जाता था, सिंबल्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन जो ये इमेजिज्म का मूवमेंट था, इसमें इन लोगों ने एक मूवमेंट चलाया, एक रिवॉल्ट चलाया, और इनका मानना था कि देयर मस्ट बी क्लियर प्रिसिशन, बिल्कुल क्लियर प्रिसिशन होनी चाहिए। किस चीज़ में? जो इमेजिक, जो इमेजिज्म का रिप्रेजेंटेशन है उसमें, जो हम कल्पना शक्ति करते हैं या फिर किसी चीज़ को डिराइव करते हैं, तो वहाँ पर हमें जो है बिल्कुल क्लियर प्रिसाइज करना चाहिए, और सिंबल्स पर कम फोकस होना चाहिए, प्रतीकों पर कम फोकस होना चाहिए, ये इनका पर्पस था। अब दोस्तों इसमें अगर जो हम बात करें कि इसमें जो सबसे मेन हमें देखने को मिलता है इस इमेजिज्म से जुड़े हुए राइटर की, तो इज़रा पाउंड, इज़रा पाउंड का नाम सबसे ऊपर आता है। इज़रा पाउंड के साथ साथ जॉर्ज कैनोस इसमें हमें दिखाई देते हैं, जेम्स जॉयसी हमें इसमें दिखाई देते हैं, और डब्ल्यू सी विलियम्स भी इसमें मेन जो मूवमेंट के को जिन्होंने लीड किया, आगे बढ़ाया, उसके रूप में हम एक पार्ट के रूप में दिखाई पड़ते हैं। आई होप कि इमेजिज्म भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से क्लियर करता चल रहा हूँ, इसी वजह से आज हमने टॉप 20 क्वेश्चंस लिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको आपको डेप्थ में समझना बहुत जरूरी है, चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, जो आपके जो एजुकेशनल ग्रुप हो वहाँ पर भी इनको शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, फ्रांसिस बैकन इज नोन फॉर हिज एफोरिस्टिक स्टाइल। फ्रांसिस बैकन को किस चीज़ के लिए जाना जाता है? जो फ्रांसिस बैकन हुए हैं, फ्रांसिस बैकन आप जानते हैं दोस्तों, फ्रांसिस बैकन जो अपने एसेज के लिए जाने जाते हैं, और एसेज में भी इनका स्टाइल कैसा है? एफोरिस्टिक स्टाइल है। अब ये एफोरिस्टिक स्टाइल क्या है इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। एफोरिस्टिक स्टाइल, एफोरिस्टिक स्टाइल यानी कि ऐसा स्टाइल जहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंसेज में या फ्रेजेज में बहुत गहरी बात कह दी जाए, जिसको हम बोल सकते हैं गागर में सागर भर दिया जाए, तो ऐसा स्टाइल जो होता है वो एफोरिस्टिक स्टाइल कहलाता है, और बैकन का तो स्टाइल ही एफोरिस्टिक स्टाइल है। अब बैकन के स्टाइल की बात करें दोस्तों, तो बैकन की कुछ लाइंस पर हम चलते हैं, बैकन की लाइंस पर चलते हैं, और बैकन क्या कहते हैं? बैकन कहते हैं कि टू रिवेंज इज, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। ये एक छोटा सी बात कही उन्होंने, एक छोटा सा सेंटेंस कहा, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। अब इसको अगर जो हम एक्सप्लेन करने लग जाएं तो दोस्तों बहुत डेप्थ में चीज़ें चली जाती हैं, ह्यूमन फिलॉसफी पर हम पहुंच जाते हैं, मानव के नेचर पर पहुंच जाते हैं, मानव का नेचर कैसा है। मानव का नेचर जो है ना आजकल इस तरह का है, अगर जो उसको किसी ने कुछ कह दिया, जरा सी कोई बात हो गई तो वहीं पर हाथापाई हो जाती है, वहीं पर लड़ाई हो जाती है, और इतना ही नहीं ये लड़ाइयाँ ऐसी कन्वर्ट हो जाती हैं कि जो बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं दोस्तों वो होने लगती हैं।
आपने देखा भी होगा टेलीविजन पर भी प्रोग्राम आते हैं, जैसे कि क्राइम पेट्रोल आता है, सावधान इंडिया आता है, वहां भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से छोटी छोटी बातों पर इंसान उलझ जाता है। और तो ऐसी सिचुएशन में ये बताइए मुझे कि क्या मानव जानवरों से बढ़कर है? शायद नहीं। मानव तो फिर इक्वल हो गया किसके? जानवरों के समान हो गया। और जो ये बदला लेने वाली भावना है, ये तो मैं वाइल्ड जस्टिस को रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों बहुत डेप्थ में मीनिंग जाते हैं। अब इनका एक और उदाहरण लीजिए आप, बैकन का स्टडी, सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। स्टडी के तीन पर्पस बताते हैं दोस्तों बैकन, एक तो कहते हैं डिलाइट, एक ऑर्नामेंट, ठीक है, और एक एबिलिटी। डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। स्टडी तीन ट्रेड्स में काम करती है, खुशी देने के रूप में, आभूषण के रूप में और योग्यता के रूप में। अब अगर जो हम इन्हीं तीन फैक्टर्स को डिफाइन करने लग जाएं, तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि एक किताब लिख जाएगी इस पर, लेकिन फिर भी हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ऐसे थे बैकन, जिनका स्टाइल था एफोरिस्टिक। अब डिलाइट की थोड़ा सा मैं बता देता हूं। स्टडी, जब आप बोर होते हैं, खाली समय में बैठे हुए हैं, कोई दोस्त नहीं है, कोई साथी नहीं है, उस समय एक अच्छी किताब को लीजिए, उसको उठाइए और डूब जाइए, उसको पढ़िए दिल से। सच मानिए कि आपको मन से बहुत खुशी होगी, लेकिन उसके लिए दोस्तों थोड़ा सा डेडिकेटेड तो होना पड़ता है ना, किताब के प्रति अपने एक पैशन लाना पड़ता है, बिब्लियोफिल होना पड़ता है, तो वो आपको बनना पड़ेगा। तो स्टडी क्या देती है? डिलाइट देती है इन आर वैकेंट पीरियड्स। स्टडी ऑर्नामेंट के रूप में काम करती है। आपने देखा होगा जो स्त्रियां होती हैं वो आभूषण पहनती हैं। आभूषण क्यों पहनती हैं? आभूषण पहनती हैं सुंदर दिखने के लिए, सेंट्रल अट्रैक्शन होने के लिए, और कितनी सज धज कर किसी भी फंक्शन में जब स्त्रियां जाती हैं तो उनका पर्पस क्या होता है? उनका पर्पस ये होता है कि मैं सबसे डिफरेंट लगूं, अपने अगल बगल वाली से, जिससे भी मैं बिल्कुल अलग दिखनी चाहिए, टिप टॉप। तो इस तरह से उनका एक पर्पस होता है और उसके लिए वो ऑर्नामेंट्स का यूज करती हैं। ऐसे ही अगर इंसान को उसके कंडक्ट को ब्यूटीफाई करना है तो उसका डिस्कोर्स अच्छा होना चाहिए, और उसका जो डिस्कोर्स है वही तो ऑर्नामेंट के रूप में काम करता है। तो वो जो कहते हैं ना कि स्टडी सर फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ऑर्नामेंट क्या है? ऑर्नामेंट हमारा आभूषण है, एजुकेशन, स्टडी आभूषण के रूप में भी काम करती है, लेकिन कब करती है? जब हम किसी से बातें करते हैं। किसी के बातें करने के अंदाज से आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, उसके अंदर कितनी नॉलेज है, कितना उसके अंदर डेप्थ है। दोस्तों मैं कहना नहीं चाहता, बट मुझे बड़ा दुख होता है और बड़ा एक ह्यूमिलेशन सा फील होता है उस समय जब मैं देखता हूं। मैंने ऐसे ऐसे नौसीखिया लोग भी यूट्यूब पर देखे हैं जो कि उनको, जिसे कहते हैं ना, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, बिल्कुल नॉविस, कुछ नहीं आता उनको, दे नो नथिंग, स्टिल अपने यूट्यूब बनाकर, चैनल बनाकर बैठे हैं और लोगों को उल्टा सुल्टा परोस रहे हैं। उनको लिटरेचर की ABCD नहीं आ रही, बस देख देख के क्वेश्चंस बोले जा रहे हैं, वो उनके ऑप्शंस बताते जाते हैं, क्वेश्चंस बोलते चले जाते हैं और उस पर लोग जुड़ रहे हैं। अरे मैं तो ये कहता हूं भाई, जो अलेक्जेंडर पॉप हुए हैं, अलेक्जेंडर पॉप ने अपने ऐसे में साफ साफ कहा है कि जांच परख जरूर कीजिए और अपनी जांच परख कीजिए कि आप कहां सही जा रहे हैं, आप कहां गलत जा रहे हैं। तो ये तो हमें डिसाइड करना है ना कि हमें क्या चीज सीखनी है क्या नहीं। तो दोस्तों इस चीज पर, इस भेड़ चाल पर मत जाना। मैं भी एक यूट्यूब का पार्ट हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूं या फिर मेरे पे बहुत अच्छा पढ़ाना आता है। वो तो मेरे पढ़ाने का स्टैंडर्ड और जो मेरा वे ऑफ डिस्कोर्स है वही आपको बता देगा कि मैं कैपेबल हूं या नहीं हूं। वो तो आप खुद डिसाइड करेंगे किसी के लिए भी, लेकिन मैं सभी को कहता हूं, मुझे भी आप जज करें, अदर्स को भी जज करें, लेकिन दोस्तों थोड़ी सी एबिलिटी का यूज करें। अब मैं बैकन वाले उसी पॉइंट पर आता हूं कि एबिलिटी के रूप में स्टडी कब काम करती है? व्हेन यू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट मोमेंट, जब आप सही क्षण पर एक सही डिसीजन लेते हैं सही समय पर, तो वो होता है। और ये चीज मैं हकीकत में कह रहा हूं दोस्तों, आप देखना यूट्यूब चैनल खोलकर, वहां पर आपको कैसे काफी टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे। मैं सभी को नहीं कह रहा, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं यूट्यूब पर, ऐसी बात नहीं है अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको क्या बनना पड़ेगा? चोजन सीट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उन चुनिंदा सितारों को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो कौन है जो आपका भला कर सकते हैं, उनको आपको चुनना पड़ेगा। अदरवाइज यहां तो रफ स्टफ इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, जो BA MA वाले बच्चे हैं वो TGT PGT की क्लासेस चला रहे हैं,
वारे मेरी दुनिया, वाह भाई वाह, मतलब ऐसा YouTube पर खेल चल रहा है, तो दैट इज नॉट अप टू द मार्क, ये अच्छी चीज नहीं है। कि अगर जो आप पर किसी चीज के आप मास्टर हैं, आप पर उस चीज की पकड़ है, तो हाँ जरूर उस क्षेत्र में कीजिए, लेकिन किसी की जिंदगी से खेलना, खिलवाड़ करना बहुत गलत बात है, बहुत गलत। तो कहने का मतलब यही तो दोस्तों एफोरिस्टिक स्टाइल है, जहां पर छोटी सी बात को उसमें डेप्थ मीनिंग निकल आए, दैट इज कॉल्ड एफोरिस्टिक स्टाइल। जैसे मैंने बैकन के बारे में बताया, स्टडी सब फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, एग्जाम्पल्स बहुत है दोस्तों। जैसे कि बैकन कहते हैं, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड, एंड अ फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। कुछ किताबें जो है चखने के लिए होती हैं, कुछ किताबें चबाने के लिए होती हैं, सॉरी, कुछ किताबें निगल जाने के लिए होती हैं और कुछ किताबें चबाने और पचाने के लिए होती हैं। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, आपको टेस्ट करना है, आपको स्वेलो करना है, आपको च्यू या डाइजेस्ट करना है। दोस्तों दैट इज द एफोरिस्टिक स्टाइल, ये बैकन का एफोरिस्टिक स्टाइल है। आई होप कि एफोरिस्टिक स्टाइल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रेस्टोरेशन पीरियड की। जो ये हमारा रेस्टोरेशन पीरियड है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रेस्टोरेशन पीरियड, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड इज इन द फील्ड ऑफ ड्रामा। अगर जो हम देखें, जो रेस्टोरेशन पीरियड है दोस्तों, रेस्टोरेशन पीरियड का जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो किस फील्ड में रहा है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा इन द फील्ड ऑफ ड्रामा। रेस्टोरेशन पीरियड किस फील्ड में हमें देखने को मिलता है? रेस्टोरेशन पीरियड जो है हमें वो ड्रामे के फील्ड में देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों, रग्बी चैपल इज अ पोएम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। रग्बी चैपल क्या है? रग्बी चैपल एक पोएम है दोस्तों, किसकी लिखी हुई है? मैथ्यू अर्नोल्ड की लिखी हुई पोएम है रग्बी चैपल। अब ये जो रग्बी चैपल है, ये जो पोयम है दोस्तों, ये किसके बारे में लिखी गई है? रग्बी चैपल। मैं बता देता हूं आपको, रग्बी चैपल, सबसे पहली बात ये तो आपको पता चल गया कि ये मैथ्यू अर्नोल्ड की पोयम है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये पोयम अपने फादर के लिए लिखी थी। किसके लिए लिखी थी? अपने फादर के लिए लिखी थी ये पोयम। और किसने लिखी थी? मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी थी। और ये कैसी पोयम है दोस्तों? ये एक पर्सनल एलिजी है। रग्बी चैपल कैसी पोयम है? एक पर्सनल एलिजी है। अब एलिजी क्या होता है? एलिजी इज ए काइंड ऑफ सैड सॉन्ग। एलिजी एक प्रकार का दुख भरा गीत होता है। दैट इज कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन नियर डियर और द क्लोजर वन। किसी के भी खास की मृत्यु पर लिखे जाने वाला जो शोक गीत होता है वो एलिजी कहलाता है। एलिजी में पर्सनल एलिजी आती है, इम्पर्सनल आती है, पेस्टोरल आती है। तो रग्बी चैपल जो है वो हमारी पेस्टोरल एलिजी है। अब रग्बी चैपल, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके फादर डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड को, याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड। डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड कौन थे? डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड मैथ्यू अर्नोल्ड के फादर थे और ये हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल के। और इनके फादर की डेथ हो गई थी, सो आफ्टर द 15 ईयर्स ऑफ हिज फादर्स डेथ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पिता की मृत्यु के कितने साल बाद मैथ्यू अर्नोल्ड उस प्लेस पर जाते हैं। योर आंसर विल बी आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ हिज फादर्स डेथ। अपने पिता की मृत्यु के 15 साल बाद, कितने साल बाद? 15 साल बाद ये वहां पर जाते हैं और क्या देखते हैं? देखते हैं, कोल्डली सैडली डिसेंड्स द ऑटम इवनिंग, द फील्ड स्ट्रोन विद डार्क येलो ड्रिफ्ट्स, ओ विदर्ड लीव्स एंड द एम्स फेड इन टू द डिमेंस स्पेस, साइलेंट हार्डली ए शाउट फ्रॉम अ फ्यू बॉयज लेट एट देयर प्ले। दोस्तों वो ये कहते हैं कि मतलब कैसा माहौल है, पतझड़ की शाम है और जो फील्ड है वो सूखी पत्तियों से पूरा भरा हुआ है और वहीं पर कहीं दूर एक चुप्पी है, लेकिन उस चुप्पी में एक आवाज आ रही है और वो आवाज किसकी है? फ्रॉम अ फ्यू बॉयज लेट एट देयर प्ले, कुछ बच्चों की जो शाम के समय देर तक खेलते रहते हैं, ऐसी आवाज आ रही है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अक्सर शाम के समय बाहर निकल जाते हैं और खेलते हैं। आजकल तो वैसे बच्चे इंडोर गेम ही खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हम अपनी बात करें तो दोस्तों कितना आउटडोर गेम भी खेला है और शाम के समय कितना वो एंजॉयमेंट वाला टाइम होता है जब शाम के समय आउटडोर गेम्स खेले जाते हैं। लेकिन आज की परिस्थितियां, एक तो कोविड की वजह से बच्चा बाहर नहीं जा सकते और दूसरा कि एक परिवेश ही बदल चुका है।
चीज़ें ही बदल चुकी हैं। तो ये जो पोएम है, इस पोएम में जो पोएट हैं वो अपने फादर को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी प्रशंसा में ये एलिजी लिखते हैं और अपने फादर को वो सेवियर ऑफ मैनकाइंड कहकर पुकारते हैं। ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों, सेवियर ऑफ मैनकाइंड किस पोएम में मैथ्यू अर्नॉल्ड ने अपने फादर को कहा है, आप याद रखना रग्बी चैपल में कहा है। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉवर बीच बाय अर्नॉल्ड इज एन एलिजी। डॉवर बीच जो है मैथ्यू अर्नॉल्ड के द्वारा लिखी गई, ये भी एक एलिजी है। दोस्तों मैथ्यू अर्नॉल्ड जिनकी अभी हमने बात करी कि इनके फादर का नाम डॉक्टर थॉमस अर्नॉल्ड था, और मैथ्यू अर्नॉल्ड की एक एलिजी है डॉवर बीच। डॉवर जो कि एक समुद्र का के लिए कहा गया है, वहीं पर किनारा है डॉवर के पास, और डॉवर बीच इस वजह से इसको कहा गया है। जो पोएट है वो अपनी शादी के बाद, इनकी जो मैथ्यू अर्नॉल्ड थे इनकी शादी जो हुई थी लूसी विटमैन से इनकी शादी हुई थी, और अपनी शादी के बाद में ये हनीमून कह सकते हैं, हनीमून पर कहाँ गए थे, डॉवर नामक स्थान पर गए थे। जिस डॉवर पर ये गए थे दोस्तों, तो वहाँ पर अगर जो हम देखें उस डॉवर पर, तो वहाँ पर ये अपनी न्यूली वेडेड वाइफ के साथ गए थे, और वहाँ का दृश्य बड़ा सुंदर लगता था। वहाँ का दृश्य सुंदर कैसे लगता है, क्योंकि जो जिस होटल में ये ठहरे हुए थे उस होटल से जो समुद्र का नज़ारा है उसकी खिड़की से वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। और स्टार्टिंग में हम देखें तो इनको बड़ा अच्छा सा फील होता है, लेकिन अचानक से इन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी, कुछ ऐसा दृश्य देखा जिससे इनका जो मन था वो विचलित हो गया, और जो प्लेजेंट मूड था वो ग्रीफ में चेंज हो गया। जैसे कि स्टार्टिंग में अगर जो हम देखें दोस्तों, तो ब्यूटीफुल लाइन्स इसमें हमें दिखाई पड़ती हैं, जब ये कहते हैं द सीज काम टू नाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रीट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट, द लाइट द ग्लीम्स एंड इज गोन, द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड। और वो क्या कहते हैं कि समुद्र आज की रात बहुत शांत है, बहुत शांत है, और चंद्रमा जो है वो बड़ा सुंदर सा प्रतीत हो रहा है, और चट्टानों से जो धीमा धीमा सा प्रकाश आ रहा है ये बड़ा अच्छा लग रहा है। कम टू द विंडो डार्लिंग, और ये क्या कहते हैं, कम टू द विंडो डार्लिंग, स्वीट इज द नाइट एयर, हे प्रिय खिड़की पर तो आओ, देखो कितनी मधुर हवा चल रही है। किसको बुला रहे हैं, ये अपनी पत्नी को बुलाते हुए कहते हैं कि खिड़की पर आओ और देखो कितना सुंदर ये नज़ारा है। लेकिन दोस्तों दूसरे ही पल इनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें वो पेबल्स की आवाज़ सुनते हैं, समुद्री कंकड़ों की आवाज़ सुनते हैं, और वो जो समुद्री कंकड़ है वो एक प्रकार का संगीत निकाल रहे हैं, और वो संगीत कैसा है, वो संगीत है मानवता के दर्द से भरा हुआ संगीत, ह्यूमन मिजरी को रिप्रेजेंट करता हुआ संगीत। और कहते हैं सोफोक्लीज लॉन्ग अगो हर्ड इट ऑन एजियन एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द एब एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, कि इस संगीत को जो मैं आज सुन रहा हूं, सोफोक्लीज जो कि यूनान का एक दार्शनिक था उसने आज से काफी समय पहले इस संगीत को सुना था। तो कहने का मतलब ये जो संगीत है ना, ये मिजरी को रिप्रेजेंट करता है, ये कष्ट को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों उन्होंने देखा क्या था, उन्होंने देखा था कि सी वेव्स जो थी वो घटती हुई प्रतीत हो रही थी, उनको समुद्र की लहरें घटती हुई प्रतीत हो रही थी, और समुद्र से एक संगीत था निकला हुआ प्रतीत हो रहा था। तो उनको लग रहा था कि ये तो प्रकृति घट रही है, इट इज एंटायरली द लॉस ऑफ नेचर, ये तो प्रकृति का लॉस है। और ये प्रकृति का लॉस क्यों है, क्योंकि पहले हमारी आस्था हुआ करती थी समुद्र में, लेकिन अब आस्था वो नहीं रही है, इट इज द एंटायरली द लॉस ऑफ फेथ, ये तो फेथ का लॉस है, इसका मतलब ये रिलीजन का लॉस है। और वो गए किसके साथ थे दोस्तों, वो गए थे अपनी पत्नी के साथ वहां पर, लूसी विटमैन के साथ। तो उनको ये लगता है कि कहीं उनका जो प्रेम है एक दूसरे के लिए वो कम ना हो जाए, तब वो अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए ये बात कहते हैं, ओ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनोदर, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, सो वेरियस सो ब्यूटिफुल सो न्यू, हैथ रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट नॉर कैटिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। ये बात वो कहते हैं कि हे मेरी प्रिय, ये जो संसार जैसा दिखता है ये वैसा है नहीं, ये हमारे सामने स्वप्न का संसार लगता है, बहुत अलग लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत नया लगता है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर कोई आनंद नहीं है, यहाँ पर कोई प्रेम नहीं है, यहाँ पर कोई ज्ञान नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो ये, यहाँ पर कोई शांति नहीं है, कोई दर्द से पीड़ित व्यक्ति कराह रहा है तो उसके लिए यहाँ पर कोई मदद भी नहीं है, ऐसी ये दुनिया है। वो ये बात ये कहते हैं दोस्तों। ये थी डॉवर बीच जो कि अर्नॉल्ड की लिखी हुई एक एलिजी है।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पॉप्स एसे ऑन मैन कैन बी रेड एज पोएम ऑफ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। पॉप का जो एसे ऑन मैन है दोस्तों, अलेक्जेंडर पॉप का ये एसे है एसे ऑन मैन। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एसे ऑन मैन किसका वर्क है, तो आपका आंसर होगा अलेक्जेंडर पॉप। किसका वर्क है? अलेक्जेंडर पॉप का है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस पॉप्स के एसे ऑन मैन को कैन बी रेड एज अ पोएम ऑफ, इसको पढ़ा जा सकता है किस पोएम के रूप में? फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन का जो दार्शनिक तत्व है उसको दिखाने की यहां पर कोशिश की गई है। जो हमारा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है जीवन का उसको इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। फिलोसॉफिकल कैसे? मानव के बारे में जैसे मैंने अभी बात की थी, मानव कैसा है? मानव त्रुटि निकालने वाला है, दूसरों की कमियां निकालने वाला है। मानव जो है वो क्या करता है, वो जब कुछ उसके साथ हो जाता है तो वो अपने गिल्ट को दूसरे ऊपर डाल देता है। ऐसा ही तो मानव करता है। आपसे किसी ने कहा भाई आपने मेरी ये चीज क्यों बिगाड़ दी, और जबकि बिगाड़ी आपने, आप क्या कहते हैं, मैंने नहीं बिगाड़ी, वो यहां पे बैठा नहीं था एक लड़का, उसने बिगाड़ी थी। अब वो लड़का कहता है भाई मैंने नहीं बिगाड़ी, उसने किया था। तो हमारी आदत है इंपोज करने की, दूसरों के ऊपर हम चीजों को जो है लाद देते हैं, दूसरों के ऊपर डाल देते हैं और दूसरों को जज करने लगते हैं। पॉप क्या कहते हैं? पॉप कहते हैं नाउ देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। पॉप ये बात कहते हैं कि जानना है तो सबसे पहले खुद को जानो, खुद का अध्ययन करो। अरे भाई भगवान की भी जांच परख मत करो, क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ हमारे साथ गलत हो जाता है, हे भगवान हे प्रभु तुमने मेरे साथ ऐसा गलत क्यों कर दिया। अरे भाई फॉल्ट तो हमारा है ना, हम भगवान को क्यों दोष दे रहे हैं? लेकिन दिस इज द ह्यूमन नेचर, दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी, ये तो मानव नेचर बन चुका है कि हम भगवान को भी क्लेम करने लगते हैं। और इसके साथ साथ इंसान को तो हम छोड़ते ही नहीं है, हम क्रिटिसाइज करना ज्यादा जानते हैं और जबकि खुद एनालाइज करना कम जानते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करो, खुद का एनालाइज करो, तब दूसरे को क्रिटिसाइज करो। ऐसा किसका मानना है? ऐसा मानना है अलेक्जेंडर पॉप का। एंड दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट, दिस पोयम इज नोन एज फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। Is that clear? I hope कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मैं जानता हूं मेरे साथ केवल वही लोग बने रहेंगे जो वास्तव में लिटरेचर के प्रेमी हैं और उनको रिजल्ट देना है, रिजल्ट निकालना है, वही मेरे साथ जुड़ेंगे। क्योंकि आज का जमाना क्या है, आज के जमाने में कोई डेप्थ में पढ़ना ही नहीं चाहता, जाना ही नहीं चाहता, वो तो ये सोचते हैं कि पक्का पकाई चीजें मिल जाएं। टेक्स्ट भी कोई नहीं पढ़ना चाहता, जो टेक्स्ट बुक होती है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट राइटर्स के होते हैं, अरे भाई उसमें ही तो मजा होता है, उसमें ही तो असली आनंद होता है। आपने मुझे देखा भी होगा दोस्तों, जब मैं पढ़ाता हूं तो किस प्रकार से मैं स्पॉन्टेनियसली उन लाइंस को भी आपके सामने रखता हूं जो पोइट्स बोलते हैं। ये चीजें कब आती हैं? ये चीजें तब आती हैं जब आपको मोहब्बत होती है। और मोहब्बत किससे? इस लिटरेचर से मोहब्बत। मैं दूसरी मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, बात मैं कर रहा हूं लिटरेचर की मोहब्बत की। तो उससे जब लगाव होता है, आपका एक अटैचमेंट होता है, और जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो वो भी आपके पास शिद्दत से ही आती है। तो वही चीज है दोस्तों, तो आप मन से पढ़ोगे, दिमाग में एक बार में बैठ जाएंगी। पहले बड़ा हैवॉक सा लगता था मुझे ये, कि मैं आपको बता रहा हूं, जब आई वॉज इन नाइन्थ और टेंथ स्टैंडर्ड में जब मैं था, तो उस समय जब ये लाइंस में पढ़ता था, देखता था, बड़ा अजीब सी लगती थी। लेकिन उसके बाद मैंने ठाना कि इनको सीखना है, समझना है, फिर एक पैशन क्रिएट किया उसके प्रति। और फिर दोस्तों ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की बात है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में मैंने काफ़ी फिक्शंस पढ़ डाले थे, बहुत सारे नॉवल्स मैंने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में ही पढ़ डाले थे। ये क्यों? क्योंकि एक लगाव, एक अटैचमेंट, साहित्य से आपका जो लगाव होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और यही रीज़न है कि आज मैं एक प्रोमिनेंट राइटर के रूप में, और इसके साथ साथ मैं जो एक क्या कहते हैं पीएचडी मैंने की हुई है, एक राइटर के रूप में वर्क कर रहा हूं, और डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हुए मुझे 15 साल हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं टेल ऑफ अ टब। ये जो वर्क आता है दोस्तों, टेल ऑफ अ टब इज अबाउट अटेंडिंग कंटेंडिंग रिलीजियस पार्टीज। जो टेल ऑफ टब है ये किस चीज के को रिप्रेजेंट करता है?
जो टेल ऑफ टब है दोस्तों, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिलीजियस पार्टी को कंटेंड करने को टेल ऑफ टब रिप्रेजेंट करता है। अब टेल ऑफ टब आप समझिए कि ये है क्या, किस क्या वर्क है ये दोस्तों। ये जोनाथन स्विफ्ट का फेमस वर्क है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि टेल ऑफ टब जो है किसका वर्क है, तो आपका आंसर होगा जोनाथन स्विफ्ट का। और दोस्तों ये जो टेल ऑफ टब है ना, इसको रिगार्ड किया जाता है एज ए सटायर ऑन रिलीजन, कि रिलीजन पर इसमें सटायर किया गया है। टेल ऑफ टब में किस चीज पर सटायर किया गया है? रिलीजन पर सटायर किया गया है कि किस प्रकार से जो रिलीजियस कंडीशंस हैं और किस प्रकार से जो लोगों की सोच है, जो मेंटेलिटी है, उसमें जो बदलाव है वो कैसा आता जा रहा है और किस प्रकार से क्रिश्चियनिटी का डूम होता जा रहा है, ये टेल ऑफ ए टब में जोनाथन स्विफ्ट ने यहां पर दर्शाने की कोशिश की है। तो इतना याद रख लेना, इट इज रिगार्डेड एज ए सटायर ऑन रिलीजियस बिलीफ। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये आता है, द फ्रेज डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज यूज्ड बाय T.S. Eliot। क्वेश्चन ये आता है कि जो ये फ्रेज है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये किसके द्वारा यूज की गई थी? तो ये दोस्तों ये यूज की गई थी T.S. Eliot के द्वारा। अब क्वेश्चन ये नहीं कि केवल इतना ही आएगा, इसमें ये भी आ सकता है कि T.S. Eliot ने इस फ्रेज को कहां यूज किया, तो फिर आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा द मेटाफिजिकल पॉइंट्स। इनका ऐसे था, T.S. Eliot का ऐसे था द मेटाफिजिकल पॉइंट्स। द मेटाफिजिकल पॉइंट्स में इसको इन्होंने यूज किया, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। अब इसमें है क्या? डिसएसोसिएशन मतलब किसी चीज को एसोसिएट को डिस कर देना, मतलब अलग कर देना। सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी आप जानते ही होंगे। तो इसमें क्या था? इसमें ऐसे विचारों को रखा गया, इसमें इंटेलेक्चुअल जो थॉट्स थे, जो इंटेलेक्चुअल थॉट्स होते हैं उनको सेपरेट कर दिया गया। किससे? एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन से उनको सेपरेशन दिया गया। किसमें? डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में, T.S. Eliot के द्वारा। दोस्तों T.S. Eliot के ऐसे द मेटाफिजिकल पॉइंट्स में T.S. Eliot ने इस फ्रेज को यूज किया था। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये लाइंस आती हैं, इन पर गौर करना। आर बर्थ इज बट अस्लीप एंड फॉरगेटिंग। जो हमारा जो बर्थ है वो किस रूप में दिखाई पड़ता है? स्लीप एंड फॉरगेटिंग के रूप में दिखाई पड़ता है। और इसके द अबव लाइंस अपीयर्स इन, ये जो अबव लाइंस हैं ये कहां दिखाई पड़ती हैं? ये जो लाइंस दोस्तों आती हैं, ये आती हैं हमारी ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। ये वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम है, इससे ये लाइंस जो है डिराइव्ड की गई हैं। और इसमें जैसे कि आप जानते हैं, एक तरह से सॉल की जर्नी को भी रिप्रेजेंट किया गया है, किस प्रकार से जो इंसान है वो जो एक छोटा बच्चा होता है वो थोड़ी थोड़ी सी मेमोरीज को पीछे की रिकॉल करता है, किस प्रकार से वो रिएक्ट करता है। दोस्तों साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी इसमें हमें वर्ड्सवर्थ के द्वारा रिप्रेजेंट कराया गया है। और ये जो लाइंस आपको मिलेंगी, जो ये आपकी पोएम है, इसके फिफ्थ स्टैंजाज में ये लाइन आती है, आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग एंड, ठीक है, ये लाइंस कहाँ आती हैं? वर्ड्सवर्थ की पोएम ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है विलियम कॉनग्रीव्स द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड्स विद अ डांस पार्टी। विलियम कॉनग्रीव का जो एक प्ले है जिसका नाम है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, द वे ऑफ द वर्ल्ड किसका लिखा हुआ ड्रामा है? तो आपका आंसर होगा विलियम कॉनग्रीव का। किसका लिखा हुआ है दोस्तों? ये विलियम कॉनग्रीव का है। और इसमें जो ये प्ले है दोस्तों द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये स्पेशली कहानी है मीराबेल और मिलामेंट की, जिसे कहते हैं ना एक अनार सो बीमार वाली कहानी है, कि एक लड़का, उसके पीछे लड़की भी लेडीज भी सब लगे हुए हैं, तो उसको मतलब एक तरह से एक मल्टी रिलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। और उसमें भी किस प्रकार से एक लव लाइफ को, लव अफेयर्स को इसमें दर्शाया गया है, किसमें? द वे ऑफ द वर्ल्ड में। और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से जो आज का जो माहौल है, आज की जो सोसाइटी है, वो चेंज हो रही है। और अगर जो हम इस प्ले के लास्ट में जाएं दोस्तों, तो ये जो प्ले है इसका एंड किसके साथ होता है? मिलामेंट और विलफुल, ठीक है ना, मिलामेंट और विलफुल की शादी के साथ इसका एंड होता है, जिसमें डांस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है
The lost generation refers to the generation that came to the maturity in 1920s. जो lost generation है ये किसको refer करता है दोस्तों, किसको refer करता है lost generation? ये जो lost generation है इसको lost generation poets के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो lost generation poets के नाम को से इसको जाना जाता है। और ये जो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये चीज़ maturity में आई, कब आई? जो 1920s का टाइम था उसमें ये पूरी तरह से मैच्योरिटी में हमें दिखाई पड़ता है। और ये जो लॉस्ट जनरेशन है दोस्तों, क्यों कहा गया है लॉस्ट जनरेशन? क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन से जो है ये हट रहे थे, एक तरह से वंडर हो रहे थे, डिसओरिएंटेड ये हो रहे थे जो राइटर्स थे। इस वजह से इनको लॉस्ट जनरेशन के रूप में इन राइटर्स को रेफर किया गया था, लॉस्ट जनरेशन के रूप में इनको दर्शाया गया था। और ये जो राइटर्स थे दोस्तों, ये अगर जो हम इनकी बात करें तो ये जो जनरेशन थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से ये कहीं ना कहीं अटैच थी, ये जो जनरेशन थी। और इसका हमें लॉस्ट जनरेशन के रूप में कैसे पता चलता है? आपने एक वर्क सुना होगा और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि द सन ऑल्सो राइजेज। द सन ऑल्सो राइजेज किसका नॉवल है? अर्नेस्ट हेमिंगवे का नॉवल है द सन ऑल्सो राइजेज। द सन ऑल्सो राइजेज में एपिग्राफ में जो हेमिंगवे हैं उन्होंने कहा था यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन। क्या कहा था? यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन, कि तुम सभी क्या हो? तुम सभी लॉस्ट जनरेशन हो। तो लॉस्ट जनरेशन उन्हीं पोएट्स को रेफर किया गया था, जो पोएट्स थे जो अपने एक तरह से पाथ से, अपने एक जो उनका वो था मतलब वे ऑफ राइटिंग, उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से डायरेक्शन से वो अलग हो गए थे, पृथक हो गए थे। इसमें अगर जो हम बात करें दोस्तों, इसमें T.S. Eliot भी आते हैं, इसमें इज़रा पॉन्ड भी आते हैं, इसमें सिल्विया वीच भी आती हैं, और इसमें खुद अर्नेस्ट हेमिंगवे भी आते हैं। तो इस तरह से लॉस्ट जनरेशन जो पोइट्स थे इनकी एक कम्युनिटी या फिर इनका एक आप कह सकते हैं कि पूरा एक ग्रुप के रूप में इनको रेफर किया गया। और स्पेशली लॉस्ट जनरेशन पोइट्स जो है 1920s में मैच्योरिटी में हमें दिखाई पड़ता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपने नॉवल द सन ऑल्सो राइजेज में इसको एपिग्राफ में यूज किया। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन रोमांटिक लिटरेचर। आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन किससे मतलब किस चीज किसको इंपैक्ट किया उसने? रोमांटिक लिटरेचर को इंपैक्ट किया, रोमांटिक मूवमेंट को इंपैक्ट किया था। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी आपकी ड्यूरिंग 1789 तक जो ये टाइम हमारा रहा था, इसमें जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का दोस्तों टाइम था ये एक अपलिफ्टमेंट का टाइम था। और अपलिफ्ट किस रूप में? ये रेडिकल सोशल और पॉलिटिकल कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट हो रहा था। और इसके साथ साथ जो एक हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो एक तानाशाही थी उसका भी ये एक अंत इसमें माना गया, और जिसने रोमांटिसिज्म को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। जो मोनार्की चल रही थी ना फ्रेंच मोनार्की, उसका एक तरह से वो अंत था ये। तो दोस्तों ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, कि ये क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने किसको इंपैक्ट किया। योर आंसर विल बी रोमांटिक लिटरेचर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो बाय हॉरिस वॉलपोल इज अ गॉथिक नॉवल। जो कैसल ऑफ ऑट्रेंटो है ये कैसा नॉवल है? गॉथिक नॉवल है। अब आप गॉथिक नॉवल को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जो ये गॉथिक नॉवल होते हैं इनको द नॉवल ऑफ टेरर, द नॉवल ऑफ वंडर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? द नॉवल ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है, द नॉवल ऑफ वंडर के नाम से जाना जाता है, हॉरर नॉवल्स के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर याद रख लीजिए, भूत प्रेतों वाले उपन्यास, डरावने उपन्यास जिसमें सुपरनेचुरल मशीनरी का भी यूज किया जाए, ठीक है, और जिसमें क्लाइमैक्स भी हो, जिसमें सस्पेंस भी हो, सब कुछ हो, फुल मिस्ट्री हो, रोमांस भी हो, तो वो होते हैं आपके गॉथिक नॉवल। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन आता है हमारा पिकारो इज अ स्पेनिश वर्ड। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पिकारो क्या है? पिकारो एक स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश यानी कि स्पेन भाषा का शब्द है पिकारो। कहाँ का शब्द है? स्पेन भाषा का शब्द पिकारो है। और पिकारो का मतलब क्या होता है? पिकारो का मतलब होता है रोग और नेम ऑफ द सोसाइटी। पिकारो का मतलब क्या है? रोग और नेम ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज का सताया हुआ व्यक्ति, समाज का एक कुचला हुआ व्यक्ति जिसको शोषण किया जाता है समाज में, एक दबे
कुचले वर्ग का व्यक्ति वो पेकारो कहलाता है। अब दोस्तों हम देखें मुल्कराज आनंद के कुली की तरफ चलें तो कुली जो है एक ऐसा लड़का जिसका अपने गांव से लेकर, जिसका गांव था बिलासपुर, वहां से लेकर शिमला तक जहां वो गया, बिलासपुर से वो श्यामनगर में आया, श्यामनगर से वो दौलतपुर में गया, दौलतपुर से वो मुंबई गया, मुंबई से फाइनली शिमला गया, और हर जगह जहां भी मुन्नू गया वहां पर उसका शोषण हुआ। तो मुन्नू क्या है? मुन्नू है पिकारो, उसको पिकारो कहेंगे, रोग नेम ऑफ द सोसाइटी। और वो कैसे टॉर्चर्ड हुआ? मेंटली उसको टॉर्चर्ड किया गया, फिजिकली उसको टॉर्चर्ड किया गया, और सेक्सुअली उसको टॉर्चर्ड किया गया। तो दिस इज कॉल्ड पिकारो, ये कहलाता है पिकारो। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टॉम जोन्स इज अ कॉमिक नॉवल बाय हेनरी फील्डिंग। टॉम जोन्स जो है एक कॉमिक नॉवल है, किसके द्वारा लिखा गया है? हेनरी फील्डिंग के द्वारा। हेनरी फील्डिंग जो कि एक फेमस नॉवलिस्ट है, उनका लिखा हुआ टॉम जोन्स है। अब दोस्तों टॉम जोन्स केवल कॉमिक नॉवल ही नहीं बल्कि ये पिकारेस्क्यू नॉवल भी कहलाता है। पिकारेस्क्यू नॉवल जो मैंने अभी ऊपर बताया, द स्टोरी ऑफ अ पिकारो, एक पिकारो की कहानी, वो पिकारेस्क नॉवल कहलाती है, जिसमें जो पिकारो है, जो रोग और नेम ऑफ द सोसाइटी है, इज एक्सप्लॉयटेड, ही मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड वेयर एवर ही गोज इज एक्सप्लॉयटेड देयर, एंड जनरली ही डाइज। तो ये जो टॉम जोन्स है ये भी एक पिकारेस्क नॉवल है और एक कॉमिक नॉवल है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज नोन एज अ न्यू इंग्लैंड पॉइट। ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, अ न्यू इंग्लैंड पॉइट किसको कहा जाता है? योर आंसर विल बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अ न्यू इंग्लैंड पॉइट के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है, निसिम इजिकल इज एन अर्बन पॉइट। जो निसिम इजिकल है वो कैसे पॉइट है? तो आपका आंसर क्या होगा? निसिम इजिकल जो है वो एक अर्बन पॉइट है। इनकी चाहे आप द प्रोफेसर आप पढ़िए दोस्तों, चाहे इनकी आप सोप पढ़िए, ठीक है, वो अधिकतर पोएम्स जो निसिम इजिकल की हैं वो अर्बन लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं। और अ पोएम ऑफ डेडिकेशन ही ले लीजिए आप इनकी, कुल मिला के एक अर्बन टच हमें इनकी इनके वर्क में देखने को मिलता है। निसिम इजिकल के वर्क में हमें क्या देखने को मिलता है? निसिम इजिकल के वर्क में हमें एक अर्बन टच देखने को मिलता है, शहरी लाइफ देखने को मिलती है, क्योंकि इनका अटैचमेंट शहर की लाइफ से ज्यादा था इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द विलेज लाइफ। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज हम 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, मैंने आपको डेप्थ में समझाए हैं 20 क्वेश्चंस, और ये वो 20 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत बहुत प्रीशियस हैं। अच्छी तरह से समझिए, एक बार वीडियो को और देख लेना, उसके बाद पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लेना, आपको आसानी से ये तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएंगे दोस्तों। बस जिस हृदय से, जिस एक डेडिकेशन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यू ऑल्सो हैव टू स्टडी विद दैट पैशन। आपको भी उसी पैशन के साथ स्टडी करनी है, उसी पैशन उसी जज्बे के साथ आपको पढ़ना है। मैं कहता हूं कि सफलता आपके पास चलकर आएगी, आप खुद उसे अपने पास बुलाएंगे, और बिना मेहनत किए तो नहीं बुला पाएंगे ना। तो मेहनत कीजिए और दिल से कीजिए, क्योंकि दिल से करोगे तो बर्डन भी फील नहीं होगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। तो क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन लिली, थॉमस लॉच, जॉर्ज पील, थॉमस किट, ये किससे एसोसिएटेड है? ये राइटर्स के नाम दिए गए हैं दोस्तों, ये 7 राइटर्स यहां पर दिए गए, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन लिली, थॉमस लॉच, जॉर्ज पील और थॉमस किट, ये किससे एसोसिएटेड है? योर आंसर विल बी यूनिवर्सिटी विट्स। आपका आंसर क्या होगा? यूनिवर्सिटी विट्स से ये एसोसिएटेड है। अब यूनिवर्सिटी विट्स क्या होता है, किसको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है? यूनिवर्सिटी विट्स जो है दोस्तों ये ग्रुप था, ड्यूरिंग 16th सेंचुरी में एक ग्रुप था, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स थे उनका ग्रुप था, जिनको यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना गया, जिसमें मैंने आपको बताया क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन लिली, थॉमस लॉच, जॉर्ज पील और थॉमस किट थे। इसमें क्रिस्टोफर मार्लो और रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश जो थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे, एंड रेस्ट ऑफ द राइटर्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स, एंड प्लीज़ जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज ऑल्सो टू गेट द रेगुलर अपडेट्स।
आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे एंड टू गेट द पीडीएफ ऑल्सो प्लीज उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।